हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएसएस एग्जाम दिस। आज हम एक और लिस्ट डिस्कस करेंगे वर्ड्स की, और अभी हमारी सीरीज वोकैबुलरी सीरीज ऑलमोस्ट एंडिंग पर है। तो होपफुली अभी तक आपने काफ़ी कुछ नए वर्ड सीखे होंगे और अपनी मेमोरी में भी ऐड किए होंगे, वोकैबुलरी बैंक भी आपका बढ़ा होगा। सो फर्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज अमिटी। ये नाउन होता है और इसका मतलब होता है फ्रेंडशिप। अगर आपको याद हो, इससे रिलेटेड हमने वर्ड्स डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में भी, या अगर नहीं याद तो आप जाके उस वीडियो को रिवाइज कर सकते हैं। इसका एंटोनिम क्या होगा? डिस्कॉर्ड। देन नेक्स्ट इज कास्टिगेट। ये फॉर्मल इंग्लिश का वर्ड है, वर्ब होता है, एक्शन वर्ड होता है, और इसका मतलब होता है किसी को बहुत ज़्यादा टू स्कोल्ड स्ट्रॉन्गली, किसी को बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से डांटना, जैसे उर्दू में कहते हैं झाड़ देना किसी को, तो वो कास्टिगेट कहलाता है। तो इसका एंटोनिम होगा प्रेज और कमेंड, तारीफ करना किसी की। नेक्स्ट वर्ड इज डेस्टिट्यूशन। ये नाउन है, इससे रिलेटेड भी एक वर्ड हमने डिस्कस किया था लेकिन वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच का था। तो अब आपको ये भी आइडिया हो गया कि हम किस तरह से एक ही वर्ड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह यूज़ करते हैं। डेस्टिट्यूट हमने पढ़ा था अगर आपको याद हो तो डेस्टिट्यूशन का भी वही मीनिंग होगा। सिनोनिम्स इसके हैं हार्डशिप, पॉवर्टी और मिजरी, मतलब बहुत ज़्यादा गुर्बत या बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात। तो इसका एंटोनिम होगा वेल्थ। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सपीडियंट। ये एज एन एडजेक्टिव भी यूज होता है और एज ए नाउन भी यूज होता है, और दोनों का मीनिंग सेम होता है, कन्वीनियंट और प्रैक्टिकल। तो अगर किसी चीज़ के लिए हम कहेंगे कि कोई अप्रोच है, तो एक्सपीडियंट अप्रोच मीन्स कन्वीनियंट अप्रोच है या प्रैक्टिकल अप्रोच है जो बहुत ईजीली हो सकती है। तो इसका एंटोनिम होगा इल एडवाइज्ड। कोई ऐसा काम जो मुश्किल होगा, इसका फायदा मंद नहीं होगा, इल एडवाइज कहलाते हैं। देन वी हैव इनकैंटेशन। इनकैंटेशन नाउन है और इसका मतलब होता है इन्वोकेशन, प्रेयर और चांट, या मैजिक स्पेल भी कहा जाता है। फॉर्मल इंग्लिश का वर्ड है ये भी, इनकैंटेशन। तो इसका एंटोनिम होगा रियलिटी। लिंच, ये भी वर्ब है और इसका मीनिंग होता है असैसिनेशन, असैसिनेट, किल या इलीगल हैंगिंग, मतलब किसी को अगर इस तरह से मारना कि उसका मर्डर करना, असैसिनेट कहलाएगा, या इलीगली आप उसको हैंग कर दें तो मर्डर के सेंस में आता है, वो भी लिंच कहलाता है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, आप लोग सारे कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे। नेक्स्ट इज ओवर्ट। ये एडजेक्टिव है, इट मींस ऑब्वियस और नॉट हिडन। इससे रिलेटेड एक हमने वर्ड शुरू के लेक्चर्स में कवर किया था अगर आपको याद हो, तो इसका एंटोनिम होगा कोवर्ट और हिडन, दो एंटोनिम्स हैं इसके। एंटोनिम्स तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं लेकिन हम नियर एंटोनिम्स डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज प्रेडिकेमेंट। ये नाउन है और इसका मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन या डिलेमा। प्रेडिकेमेंट, इसके एंटोनिम्स होंगे एडवांटेज और बेनिफिट। कोई फायदेमंद सिचुएशन, कोई अच्छी चीज़। सेंग्विन से रिलेटेड वर्ड भी हमने डिस्कस किया था। सेंग्विन एडजेक्टिव है, इट मींस ऑप्टिमिस्टिक और चेयरफुल। इसका एंटोनिम होगा पेसिमिस्टिक और ग्लूमी। एंड लास्ट वन फॉर टुडे, यूबिकिशियस। ये इम्पोर्टेंट वर्ड है, काफ़ी दफ़ा पास पेपर में पूछा जा चुका है। ये भी एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है
एनीथिंग दैट इज फाउंड एवरीवेयर और ओमनी प्रेजेंट के लिए भी यूज होता है, ubiquitous. इसके एंटोनिम्स होंगे रेयर और स्पार्स. ठीक है, आज के लिए इतना ही, था टेक केयर, गुड बाय.